एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, और थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों के बारे में अगर बात कर लूं तो ऑनेस्टली सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी जब हार्दिक केम टू बैक. तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द इनिंग्स, आई वॉज लाइक ठीक है यार स्ट्राइक रोटेट करेंगे, यू नो हिट अ पॉट बाउंड्री हियर एंड देयर, बट फिर हार्दिक केम टेलिंग मी यू नो हो जाएगा, फिर बैक डीप हो जाएगा. एंड देन आई फाउंड बाउंड्रीज एट द राइट टाइम, बट स्टिल 50 off 3 विद हारिस रॉफ टू बॉल 1 over, आई वॉज थिंकिंग इट्स गोना बी चैलेंजिंग. बट आई टोल्ड हार्दिक वन थिंग, अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे. एंड जब 28 रन चाहिए थे 8 ball में, आई वॉज बैकिंग माई सेल्फ, आई सेड आई हैव टू हिट 2 sixes अदरवाइज वी लूज द गेम, देयर इज नो चांस यहाँ से हम जीतेंगे अगर मैंने 2 छक्के नहीं मारे थे. 2 छक्के नहीं, उस पर तो आ रहे हैं, मतलब वो छक्के तो स्तब्ध थे सारे उन पर आएंगे. लेकिन वो जो ड्रिंक्स था इरफान, वो 10वें 11वें ओवर के बाद, उसके बाद लगा वो 12वें ओवर से टैक्टिक थोड़ी बदली, तो वहाँ क्या बातचीत हुई थी जब गियर शिफ्ट करें? एक्चुअली मैं तो मैं सरप्राइज हो गया था जब मैं गया बाहर, क्योंकि विकेट्स स्टार्टेड फॉलिंग, फिर अक्सर रन आउट हो गया, तो मुझे लग रहा था कि यार सिचुएशन यू नो खराब से खराब होती जा रही है. बट फिर जब हार्दिक आए तो देन आई टोल्ड हिम यू नो सिंगल लेते रहे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, लेट्स गो डीप इन द गेम, देखते क्या होता है, कभी ना कभी प्रेशर डालने का मौका तो आएगा. और जब वो मौका आया तो फिर शहीन, मुझे ऐसा लग रहा था कि 100% शहीन नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि उनके मेन बॉलरों में से वो भी है, अगर उनको अटैक करेंगे तो हार्दिक का फोकस तो नवाज की बॉलिंग पे था कि मैं उसको छक्के मार सकता हूँ. एंड वी न्यू कि वो लास्ट ओवर ही डलवाएंगे, उससे पहले गेम खत्म करने देंगे. मुझे हारिस के बारे में बात करनी है, मुझे वो ओवर जो शाहीन से आफरी थी उसके बारे में बात करनी है. लेकिन ये इमोशन विराट, आपने बहुत शतक लगाया, आप लेजेंड हो, लेकिन ये इमोशन ये हमेशा नहीं देखने को मिलते, क्या मायने रखता है आपके लिए? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब जो हुआ है मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, मतलब ये मुझे बार बार देखना पड़ेगा बाद में. क्योंकि इमोशंस की बात कर रहे हैं, क्या सही था गेम से 1-2 ball पहले आपने ड्रेसिंग रूम और डगआउट को इशारा किया था कि शांत रहना, जो जीतने वाले थे हम थोड़ा शांत रहना? हाँ, क्योंकि जब आपको 15-16 रन की एवरेज रन रेट चाहिए और 2 ball में 2 रन आ जाए तो लोग शायद रिलैक्स या ओवर एक्साइटेड भी हो सकते हैं कि बन गए, यू नो फिर एक DK रन आउट हो गए या स्टंपिंग जो भी बोलेंगे आप. बट फिर ऐश को मैंने बोला कि यू नो कवर्स के ऊपर मारने देखना, लेकिन ऐश ने अपना दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, और मतलब दैट वाज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, यू नो केम इनसाइड द लाइन, वाइड करवा दी, उसके बाद तो सिचुएशन ये रहेगी कि यू नो गैप में गई तो हम जीत जाएंगे मैच. आपके वो छक्के हारिस रऊफ को वो छक्का सामने, विराट व्हाट इज दैट, मतलब 150 में गेंदबाजी कोई कर रहा है, वो हार्ड लाइन डाल रहा है, आप सामने मारो, टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन शॉट है, क्या सोचें प्लीज. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूं. मैं यही सोच रहा था कि 2 छक्के चाहिए, लेकिन वो एक इंस्टिंक्टिव शॉट था, मैंने कहा सिर्फ बॉल को देखो, ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है. और वो कनेक्शन होना बहुत रेयरली, आई थिंक मेरे करियर में 2 या 3 बार ही ऐसा कनेक्शन हुआ है मेरे बैट से ऐसे शॉट के लिए, और उस टाइम पर बहुत ज़रूरी शॉट था वो, तो वहाँ से मुझे लगा कि वो थोड़ा पैनिक कर गए उसके बाद. बिल्कुल कर गए. लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी का ओवर इससे पहले था, क्या आपको लग रहा था कि उसको टारगेट आप करोगे, क्योंकि वो चोट के बाद वापस आ रहे थे, उतना रिदम नहीं नजर आ रहा था जितना पहले था? वो पहला जो उन्होंने स्लोअर बाउंसर मारा, जब वो ऑलमोस्ट छक्का हो गया, तो मुझे लगा कि अब वो प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बड़े हैं, बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग में बॉलर ऊपर होता है, तो अगर वो बीट हो जाओ आप तो गेम अलग है. अगर उसमें चौका लग जाए और वो कंधे के ऊपर भी हो गई बॉल, तब तो मुझे पता था कि अब उसके पास ऑप्शन नहीं बचे, या तो मेरे को यॉर्कर मारेगा या फिर स्लोअर बॉल डालने देखेगा. तो एक यॉर्कर कवर के ऊपर चौका हो गया, फिर